हेलो दोस्तों, मैं अंबुज मिश्रा आपके और अपने इस YouTube चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज के सेशन में हम लोग सामान्य हिंदी का काल चैप्टर पढ़ेंगे, काल यानी कि टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। यूपी लेखपाल के एग्जाम की दृष्टि से चैप्टर पेपर में इंक्लूड है कुछ, ठीक है। इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे काल चैप्टर से, ठीक है। काल पढ़ेंगे, काल कितने प्रकार के होते हैं, फिर काल के अंदर जो काल होंगे वो कितने प्रकार के होते हैं विथ एग्जाम्पल्स, बिल्कुल अच्छे से विधिवत तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस। पिछले लेक्चर में हम लोगों का संज्ञा चैप्टर हुआ था, संज्ञा चैप्टर की हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी। काफ़ी दिन से आपकी हिंदी की क्लास नहीं हो पाई है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, अब हिंदी की क्लास का मैं इसी तरह से आपका इसी जिस फॉर्मेट में आपको स्क्रीन शेयर करके आपको वीडियो बना के डालूंगा, ठीक है। फिर आप कमेंट करना कि सर ये अच्छा था या वो अच्छा था, ठीक है बच्चों। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, देर न करते हुए। चैप्टर हमारा काल, काल होती क्या है। सबसे पहले काल के बारे में बात करेंगे, काल की परिभाषा। बच्चों, क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने का समय ज्ञात हो वह काल कहलाता है। जी बच्चों, क्रिया के जिस रूप से कार्य के संपन्न होने का समय का ज्ञात हो वह काल कहलाता है बच्चों, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, राम आम खाता है बच्चों, ठीक है। तो डेफिनेशन हो क्या हो गई कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के संपन्न होने का समय ज्ञात हो वह काल कहलाता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे काल के प्रकार। काल तीन प्रकार के होते हैं, पहला वर्तमान काल, दूसरा भविष्य काल, तीसरा भूतकाल। कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हो जाने से कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल को बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, भूतकाल को बोलते हैं पास्ट टेंस, भविष्यकाल को बोलते हैं फ्यूचर टेंस। इंग्लिश में टेंस जब पढ़ाए जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ठीक है। तीन ही तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर उसके अंदर और भी टेंस होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी क्या होते हैं, वर्तमान काल के प्रकार होते हैं, ठीक है। तो काल हमने कितने प्रकार सीखा, काल हमने सीखा कि काल तीन प्रकार के होते हैं सर, कौन कौन से, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ठीक है। आइए बारे बात करते एक एक करके इन काल के बारे में। पहला है वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है, डेफिनेशन लिखी हुई है, क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिसके माध्यम से वर्तमान समय में क्रिया की निरंतरता का बोध हो वर्तमान कहलाता है। नहीं समझे बच्चों आप, क्रिया का वह रूप जिसके माध्यम से वर्तमान समय में क्रिया की निरंतरता का बोध हो रहा है वर्तमान कहलाती है। यानी कि वर्तमान में जो कार्य संपन्न हो रहा है, ठीक है, उस चीज का बोध कराता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वंदना नाच रही है, ठीक है, प्रेजेंट में वंदना क्या कर रही है, नाच रही है। ये कैसा काल है बच्चों, वर्तमान काल है, ठीक है। तो क्रिया का वह रूप जिसके माध्यम से वर्तमान समय में क्रिया का निरंतरता होने का बोध वह वर्तमान कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्तमान काल के पांच भेद होते हैं बच्चों। वर्तमान काल के पांच भेद होते हैं, कौन कौन से सर। पहला होता है बच्चों सामान्य वर्तमान काल, दूसरा तात्कालिक वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल, चौथा संदिग्ध वर्तमान काल, पाँचवा संभाव्य वर्तमान काल। तो वर्तमान काल कितने भेद होते हैं, पांच भेद, सामान्य, तात्कालिक, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। अब इन सभी वर्तमान काल के पांचों भेदों के बारे में एक एक करके अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, ठीक बच्चों। इसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पर स्लाइड का, ठीक है, ओके। चलिए
सामान्य वर्तमान काल के बारे में बात करें बच्चों, तो क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से होता है, वहाँ सामान्य वर्तमान। बच्चों नाम में ही आ रहा है सामान्य, क्या आ रहा है नाम में ही सामान्य आ रहा है, तो इससे ये चलता है पता कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से होता है, वहाँ पर सामान्य वर्तमान काल होता है। ठीक है, वर्तमान काल में सामान्य रूप से होगा कार्य। ठीक है बच्चों, जैसे श्याम पत्र लिखता है, राधा आम खाती है। ठीक है, कार्य जो हो रहा है यहाँ वर्तमान में वो क्या हो रहा है, वो सामान्य तरीके से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कैसा काल है, सामान्य वर्तमान काल। तो क्या डेफिनेशन हुई, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से होता है, वहाँ सामान्य वर्तमान होता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल में क्या है, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य अभी चल ही रहा है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी चल ही रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, वहाँ पे कैसा काल है बच्चों, तात्कालिक वर्तमान काल होता है। ठीक है, ये चल जाए पता कि कार्य चल रहा है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, मैं गाना गा रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ, अभी भी गा रहा हूँ लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ है मेरा गाना। ठीक है, यहाँ पर कैसा है बच्चों, तात्कालिक वर्तमान काल है। ठीक है, रुचि खाना बना रही है। जी बच्चों, रुचि अभी खाना बना रही है, रुचि ने खाना बनाने लिया है, रुचि वर्तमान काल में क्या कर रही है, अभी काम कर रही है, खाना बना रही है, लेकिन अभी क्या हुआ, खाना पूरी तरह से बना नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, तात्कालिक वर्तमान होता है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल सर इसमें क्या होता है, जी बच्चों इसमें बिल्कुल बताते हैं, क्रिया का वह रूप जिसके माध्यम से वर्तमान समय में काम के पूर्ण होने का आभास हो, वह पूर्ण वर्तमान कहलाता है। बच्चों पूर्ण मतलब होता है पूरा। ठीक है, तो क्रिया के उस रूप से हमें ये पता चले कि वर्तमान समय में काम के पूरे होने का आभास हो, वहाँ पे क्या होता है बच्चों, पूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे मैंने रोटी खाई, ठीक है, यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि वर्तमान समय में उसने काम पूरा कर लिया है, आभास हो रहा है, मैंने रोटी खाई। ठीक है, सपना ने गाना गाया। ठीक है बच्चों, इससे ही चलता है पता कि वर्तमान समय में काम के पूर्ण पूरी होने का आभास हो रहा है, इसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल सर क्या होता है, जी बच्चों बिल्कुल बता रहे हैं, क्रिया का वह रूप जिसके माध्यम से वर्तमान समय में काम के होने में संदेह प्रकट हो। ठीक है, वर्तमान काल पढ़ रहे हैं तो वर्तमान काल में ही सब कुछ बताया जाएगा कि यहाँ संदिग्ध यानी कि वैसे भी आप जानते हैं संदिग्ध यानी कि संदेह। ठीक है, डाउट में, तो वर्तमान समय में काम के होने में संदेह यदि प्रकट हो तो वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान कहलाता है। अदिति पढ़ती होगी, हम कह नहीं सकते कि अदिति पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है, कह दिया पढ़ती होगी। ठीक है, ओके, अरुण खेलता होगा। ठीक है, अब जैसे हम किसी के यहाँ आ गए, किसी ने पूछा अरुण क्या कर रहा है घर में, अभी कह दिया अरुण खेलता होगा, अरुण पढ़ता होगा। ठीक है बच्चों, तो वही चीज़ संदिग्ध यानी कि डाउट, वर्तमान समय में काम के होने में यदि संदेह प्रकट हो तो वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा है संभाव्य वर्तमान काल। कौन सा काल बच्चों, संभाव्य वर्तमान काल। ये क्या होता है, क्रिया का वह रूप होता है जिसके माध्यम से वर्तमान समय में काम के पूर्ण होने की संभावना का बोध होता है। संभाव मतलब होता है बच्चों संभावना से, तो ये क्रिया का वह रूप होता है जिसके माध्यम से वर्तमान समय में काम के पूर्ण होने की संभावना का बोध होता है, कि काम लगभग पूर्ण होने की संभावना का बोध कराता है, वहाँ संभाव वर्तमान कहलाता है। अरुण गए होंगे, ठीक है, पूरी संभावना के साथ कहा जा रहा है कि अरुण गए होंगे बच्चों। ठीक है,
जी बच्चों, अब आप ये बताएं कि हमने वर्तमान काल के पांचों भेदों के बारे में पढ़ाया आपको, आपको समझ में आया कि नहीं आया। हमने पांच भेद बताए थे। पहला भेद क्या बताया था बच्चों वर्तमान काल का, कि वर्तमान काल का पहला भेद सामान्य वर्तमान काल। दूसरा क्या बताया बच्चों, दूसरा हमने बताया पूर्ण वर्तमान काल। तीसरा बताया तात्कालिक वर्तमान काल। चौथा बताया संदिग्ध वर्तमान काल। पांचवा बताया संभाव्य वर्तमान काल। संदिग्ध से क्या है, जिससे ये पता चले कि कार्य अभी क्या है। कार्य से संदेह प्रकट होता है तो वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। संभाव्य वर्तमान काल क्या होता है, जिसके माध्यम से ये पता चले कि वर्तमान समय में काम के पूर्ण होने की संभावना का बोध होता है, वहाँ पे बच्चों क्या होता है, संभाव्य वर्तमान काल होता है। पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है, पूर्ण वर्तमान काल ये होता है कि वर्तमान समय में ये पता चले काम के पूर्ण होने का आभास, ठीक है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहाँ पे कैसा काल होगा बच्चों, पूर्ण वर्तमान काल होगा, ठीक है। इस तरह से हमने आपको लगभग पांचों डेफिनेशन आपको बताएं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, भूतकाल। भूतकाल बच्चों यानी कि पास्ट टेंस, ठीक है। भूतकाल क्या होता है आइए जानते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य संपन्न होने का बोध हो वह भूतकाल कहलाता है। सर फिर से बता दीजिए। जी बच्चों बिल्कुल बता रहे हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य संपन्न होने का बोध हुआ भूतकाल कहता है। भूतकाल यानी कि अतीत के बारे में बताना, ठीक है, अतीत के काल के बारे में बताना, अतीत के कार्य के बारे में बताना ही भूतकाल होता है, ठीक है बच्चों, ओके। तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य संपन्न होने का बोध होता है वह भूतकाल कहलाता है। वह आया था बच्चों, ठीक है, वह पहले आया था, ठीक है, बच्चा जा चुका था, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कार्य क्या हो रहा है, बीते हुए समय में संपन्न हो चुका है, ठीक है, बच्चा जा चुका था, वह आया था, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे भूतकाल के प्रकार। भूतकाल छह प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के होते हैं भूतकाल, छह प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से होते हैं भूतकाल के छह प्रकार। पहला भूतमान पहला भूतकाल कौन सा है बच्चों, सामान्य भूतकाल। दूसरा आसन्न भूतकाल। तीसरा अपूर्ण भूतकाल। चौथा पूर्ण भूतकाल। पांचवा संदिग्ध भूतकाल। छठा हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक, एक बार आप नजर मारी जरा इन छियों पे। जी बेटा, तो भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, छह प्रकार के। पहला कौन सा, सामान्य भूतकाल। दूसरा आसन्न भूतकाल। तीसरा अपूर्ण भूतकाल। चौथा पूर्ण भूतकाल। पांचवा संदिग्ध भूतकाल। छठा हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, आइए अब इनके बारे में भी क्या करेंगे, एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहला आता है बच्चों सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं, जहाँ बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो। जहाँ बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो वहाँ सामान्य भूतकाल होता है। जैसे उदाहरण की बात करें, मोहन आया था, ठीक है, यानी कि बीते हुए समय में कार्य के पूरे होने का बोध होता है। मोहन आया था बच्चों, ठीक है। जैसे हम कहते हैं हाँ फलाने का लड़का आया था, वो अपना काम करके चला गया। यहाँ सामान्य भूतकाल है, बीते हुए समय में आया था, ठीक है, यानी कि बीते हुए समय में ये स्पष्ट कर रहा है कि कार्य पूरा उसका हो गया। श्याम ने पत्र लिखा, ठीक है बच्चों। तो सामान्य भूतकाल क्या है, जहाँ बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो वहाँ सामान्य भूतकाल होता है। नेक्स्ट है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय निकट समझा जाए वह आसन्न काल होता, आसन्न भूतकाल होता। यानी कि आसन्न भूतकाल से हमें यह पता चले कि जो कार्य के होने का समय है
बिल्कुल निकट, बिल्कुल हाल ही में हुआ है समझा जाए। वहां पे क्या होता है, आसन्न भूतकाल होता है बच्चों। ऐसे मोहन अभी आया ठीक है, यानी कि कार्य बिल्कुल अभी निकट ही हुआ है, मोहन अभी आया। दूसरा क्या है एग्जाम्पल, अभी अभी रोहित ने खाना खाया ठीक है। तो मतलब समय से निकट समझा जाए यदि कार्य के होने का, तो वहां पे आसन्न भूतकाल होता है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल बच्चों क्या होता है, जहाँ भूतकाल के क्रिया की अभी समाप्ति नहीं हुई। अपूर्ण का मतलब भी वैसे होता है, आ ना हुआ हो पूर्ण यानी कि पूरा ठीक है। जहाँ भूतकाल के क्रिया की अभी समाप्ति नहीं हुई वहाँ अपूर्ण भूतकाल होता है। रिया नाच रही थी एग्जाम्पल। दूसरा, तुम पढ़ रहे थे बच्चों ठीक है, तो अभी समाप्ति नहीं हुई है भूतकाल की क्रिया की वहां पर ठीक है। रिया नाच रही थी अभी भी ठीक है, तुम पढ़ रहे थे, तो भूतकाल के क्रिया की अभी समाप्ति नहीं हुई है वहां अपूर्ण भूतकाल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल बच्चों क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है। पूर्ण का मतलब ही होता है बच्चों पूरा। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। एग्जाम्पल, प्रवीण ने मेरा घर देखा था ठीक है। प्रवीण ने मेरा घर देखा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, श्याम ने पत्र लिखा था बच्चों ठीक है। तो पूर्ण भूतकाल जान गए कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं ठीक है। आइए नेक्स्ट टाइप कौन सा है, नेक्स्ट टाइप है संदिग्ध भूतकाल। यहाँ भी बच्चों आ गया संदिग्ध। अभी हमने बताया था संदिग्ध का मतलब होता है जहाँ संदेह प्रकट हो वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो किंतु कार्य के होने में संदेह हो वहाँ पर संदिग्ध भूतकाल होता है बच्चों ठीक है। तो क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध होता हो लेकिन कार्य के होने में संदेह हो वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है, शायद उसने खेला होगा। अब यहाँ पे अपना संदेह से बता रहे, शायद उसने खेला हो, आपने पढ़ा होगा। अब हम ही कह दें आप कल से कल एग्जाम है, कह दें आपने पढ़ा होगा कल एग्जाम का तैयारी के लिए कुछ है ना, तो हमने एक अंदाजा फेंक दिया ठीक है। शायद छोटू खेलने गया होगा। अब छोटू गया चाहे और हो, हमने एक अंदाजा फेंक दिया छोटू खेलने गया होगा ठीक है बच्चों। तो ये नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है हेतु मद हेतु हेतु मद्भूत काल। ये क्या होता है सर, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में होती किंतु किसी कारण से पूरी नहीं हुई। भूतकाल में तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होती किंतु किसी कारण से पूरी नहीं हुई, वह हेतु मद्भूत काल होता है। यदि राकेश ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता ठीक है। काम भूतकाल में होना चाहिए लेकिन क्या हुए, किसी कारण से पूरे हुए नहीं। राकेश ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता बच्चों ठीक है जी। नेक्स्ट अब आता है भविष्य काल। तो हमने छह भूतकाल के टाइप पढ़े। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है भविष्यत काल। भविष्यत काल को बच्चों कहते हैं क्या है, फ्यूचर टेंस। आप भली भांति सभी लोग जानते होंगे क्या कहेंगे, फ्यूचर टेंस ठीक है। चलिए फ्यूचर टेंस की परिभाषा के बारे में बात कर लें तो क्या है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भविष्य में होगा। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आपका भविष्य में होगा वहां भविष्यत काल कहलाता है। सोहन बाजार जाएगा जी बच्चों, बिल्कुल सही। यहाँ कार्य कब कब होगा, भविष्य में होगा। सोहन बाजार जाएगा, ना भी गया है ना गया था लेकिन अब जाएगा बच्चों ठीक है। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भविष्य में होगा वहां पर भविष्यत काल कहलाता है।
नेक्स्ट, भविष्यकाल के प्रकार। भविष्यकाल के तीन प्रकार होते हैं, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, तीसरा होता है हेतु मध्य भविष्यकाल। वहाँ पे मध्य भूत आया था क्योंकि भूतकाल था, यहाँ पे क्या आएगा भविष्यकाल। तो भविष्यकाल तीन प्रकार के होते हैं, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, हेतु मध्य भविष्यकाल। आइए एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं कि सामान्य भविष्यकाल क्या होता है। सामान्य भविष्यकाल उसे कहते हैं क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्य कहते हैं। सेम पत्र लिखेगा, ठीक है बच्चों, सेम पत्र लिखेगा, लिखा नहीं न लिखा था, अब लिखेगा। कार्य जो होगा भविष्य में होगा वहाँ सामान्य भविष्यकाल होगा। हम घूमने जाएंगे, हम कह दें कि हम शाम को घूमने जाएंगे तो अभी नहीं जा रहे हैं, शाम को जाएंगे, यानी कि कार्य जो होगा ये भविष्य में होगा, ठीक है, आने वाले समय में होगा, आगे होगा, ठीक है। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का बोध हो वहाँ सामान्य भविष्यकाल होता है। नेक्स्ट, संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना का बोध हो वहाँ पर क्या होता है बच्चों, संभाव्य भविष्यकाल होता है। कुछ नहीं है, सिर्फ नाम से ही समझ जाएंगे, जहाँ संदेह आ जाए तो कार्य वहाँ पर क्या है संदेह से पता चले, जहाँ संभाव्य होता है तो वहाँ होने की संभावना का बोध होता है, ठीक है बच्चों। पूर्ण पूर्ण मतलब पूरा, जहाँ कार्य पूरा हो चुका है, अपूर्ण जहाँ पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो संभाव्य भविष्यकाल में क्या है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना का बोध हो वहाँ संभाव्य भविष्यकाल होता है। इससे मुझे आशा है कि तुम परीक्षा में पास हो जाओगे, ठीक है। यहाँ संभावना प्रकट की जा रही है कि आशा है कि तुम परीक्षा में पास हो जाओगे। नेक्स्ट है बच्चों, थोड़ा नोट इस पे क्या है कि संभाव्य भविष्यकाल से, संभाव्य भविष्यकाल से अनुमान, अनुमति, इच्छा, आशीष, विधि या आदेश जैसे भावों का बोध होता है। तो संभाव भविष्यकाल से इन शब्दों का बोध होता है, अनुमति, अनुमान, इच्छा, आशीष, विधि या आदेश जैसे भावों का क्या होता है बच्चों, बोध होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, हेतु। हेतु मध्य भविष्यकाल ये है क्या, क्रिया का वह रूप जिसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो वहाँ हेतु हेतु मध्य भविष्यकाल होता है। क्रिया का वह रूप जिसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो वहाँ हेतु हेतु मध्य भविष्यकाल होता है। जैसे वह चले जाए तो मैं बैठूं, यानी कि एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है, वो यदि उठ जाएंगे तो मैं बैठ जाऊंगा, वह आएगा तो मैं जाऊंगा बच्चों, ठीक है। एक दूसरे पर यूं कह दें कि निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा कुछ काल के बारे में, दैट्स ऑल अबाउट टेंस, ठीक है। फॉर एनी क्वेरी प्लीज व्हाट्सएप मी दिस और दिस, थैंक यू। किसी भी इंक्वायरी के लिए कोई भी जानकारी हो, ठीक है, आए आपको किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई भी समस्या आ रही हो, कुछ भी हो, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हाय लिख के मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है। आपकी समस्या का निवारण दिया जाएगा, सलूशन दिया जाएगा प्रॉपर, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा टेंस चैप्टर। टेंस चैप्टर क्या होता है, यहीं से कंप्लीट होता है, ठीक है बच्चों। ये PDF है जो मैं इसको टेलीग्राम चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में अपलोड करा दूंगा, ठीक है, परेशान नहीं होने का। हिंदी में आपके मैंने वर्णमाला चैप्टर करा दिया है, वर्तनी करा दिया है, लिंग करा दिया है, काल करा दिया है, लेखपाल की दृष्टि से, लेखपाल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लेखपाल के लिए वर्तनी चैप्टर करा दिया है जो लेखपाल में आएगा। दूसरा आपका लिंग करा दिया है, तीसरा आपका ये काल हो गया है, ठीक है बच्चों। मुश्किल से 5-6 चैप्टर और बचे होंगे, मैं उन चैप्टर को भी धीमे धीमे कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। परेशान बिल्कुल नहीं होने का, एग्ज़ाम
शुरू होने से पहले पहले आपके सभी चैप्टर्स हम कंप्लीट करा देंगे बच्चों को, ठीक है। आज के सेशन को यहीं से ऑफ करते हैं। आप इस पीडीएफ को, इस क्लास को, लेक्चर को घर में दोबारा ज़रूर देखें बच्चों, ठीक है। चलिए, धन्यवाद बच्चों, शुभ संध्या, गुड इवनिंग, थैंक यू।